और मैं नाला शहजादी। सबसे पहले केएनएन हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 81 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 3 अप्रैल को 55,605 टेस्ट किए गए। 5,020 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। बलोचिस्तान में भी कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। जुमे को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6.8% रही। 12 तलबा का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सूबे में तलीमी अदारों को बंद ना करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज दूसरे रोज भी बंद। 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और बच्चों को मसाजिद नहीं आना चाहिए। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विस ने रमजान मुबारक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। मुल्क भर में 65 साल के अफराद की वैक्सीन वैक्सीनेशन जारी। लाहौर की निजी लैब में भी कोरोना की रूसी वैक्सीनेशन। 18 साल से ज्यादा उम्र अफराद को भी सहूलत। कराची के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में भी रूस से सरामद वैक्सीन लगाने का अमल जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, पाकिस्तान में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। इस माह बारिश में मामूल से कम और दर्जा हरारत से ज्यादा रहेगा। पंजाब, सूबा सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की एक या दो लहरें होने का इम्कान। भलाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गर्द आलू आंधियों से गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है। रमजान में भलाई इलाकों का दर्जा हरारत नॉर्मल और जीरी इलाकों का कदरे ज्यादा रहेगा। कराची में हफ्ते के रोज माह अप्रैल में 74 साल के बाद दूसरा बुलंद तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। अब्दुल्ला शफी के वनडे डेब्यू का इम्कान। ऑलराउंडर हसन अली की शमूलियत यकीनी। मोहम्मद हसनैन और आसिफ अली को ड्रॉ किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे आखिरी गेंद पर जीता था। वज़ीर आज़म ने इक्तिसादी मशावरती कौंसिल की तश्कील नो कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान सरबरा होंगे। उनकी अदम मौजूदगी में वज़ीर खजाना सदारत करेंगे। कौंसिल में साबिक मुशीर खजाना शौकत तरीन और सलमान शाह, मरूफ सुल्तान अलाना, आरिफ हबीब, मोहम्मद अली डब्बा और स्टेट बैंक के दो साबिक गवर्नर शमशाद अख्तर और सलीम रजा भी शामिल होंगे। हर वक्त आर्या पार की सियासत नहीं चलती। लगता है गिलानी की कामयाबी इमरान खान की तरह नून लीग के कुछ दोस्तों को भी हजम ना हुई। बिलावल भुट्टो के मुस्लिम लीग नून पर वार। कहा, कुछ जमातों का प्रोपेगेंडा है कि हमने डील की है। इल्जाम और गलत बयानबाजी से अपोजिशन को नुकसान और हुकूमत को फायदा होगा। जवाब देना इन्हें भी आता है। मौलाना फजलुर रहमान को भी गैर जानेदार रहने का मशवरा दे दिया। बिलावल भुट्टा ने कहा, पीपल्स पार्टी का सीईसी इजलास मुलतवी कर दिया गया। इस्तीफों का फैसला सीईसी में ही होगा। पीडीएम इजलास में सवाल करेंगे, महसूस जमायतों का खुफिया इजलास क्यों बुलाया गया। शाजिया मरी कहती हैं, पीडीएम को अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ इस्तेमाल करने की नून लीग को वजाहत देना होगी। पीपल्स पार्टी सवाल करेगी कि किसकी माँ पर हुकूमत को बचाने के लिए अचानक इस्तीफों पर जोर दिया गया। अगर इस्तीफे इतने जरूरी थे तो नून लीग अपोजिशन में क्यों बैठी है। राणा सनाउला पंजाब से पीटीआई से मिलकर बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब कराने पर माफी मांगे। नून लीग को माफी मांगनी चाहिए। पीटीआई का सेनेटर जितवाने के लिए फरहदुल्ला बाबर को हराया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हुकूमत के खात्मे के लिए घरों से निकलने वाले वापिस अपने घरों को पहुंच गए। पहले दिन कहा था लुटेरों का गैर फितरी था, देर पर चलता नजर नहीं आता। रहनुमा तहरीक इंसाफ पुरासिफ कहते हैं, ये बहम दस्तगीर बा है, कौम की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत हाल नासाज। बुखार की वजह से डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। आसफ अली जरदारी का मौलाना से फोन पर राबता। हैरियत तलब की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मुल्क की सियासी सूरतेहाल और पीडीएम के मुस्तकबिल पर गुफ्तगू भी की। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का भी मौलाना से राबता। आराम का मशवरा दे दिया, कहा पहले सेहत फिर पीडीएम की पॉलिसी।
कौमी असम्बली के हल्के 75 दस्का में मुतनाजा पोलिंग स्टेशन का अमला तब्दील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पंजाब गुलाम इसरार का कहना है कि इलेक्शन पूरा तरीके से करवाया जाएगा, पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीके इंसाफ की दोबारा पोलिंग रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दोबारा इंतखाबात 10 अप्रैल को ही होंगे। चीनी की एक्स मिल कीमत 80 रुपए है और बाहर 85 रुपए में ही फरोख्त होगी। किसी शुगर मिल को ये मुनासिब नहीं लगता तो वो कोई और काम कर ले, जहाज उड़ा ले या चैनल खोल ले, बहुत काम है। मशीर अब्राहिद आला और इंतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये भी कहा कि 3 सूबों के लिए चीनी के एक्स मिल रेट का नोटिफिकेशन मुकर्रर कर दिया है, सिंध से बात कर रहे हैं, अगर सिंध ने एक्स मिल रेट तय नहीं किया तो हम करेंगे और कोर्ट कानून इसकी इजाजत भी देता है। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट के सरबराह कावेम सर्वी ने ब्रॉडशीट इंक्वायरी रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद से माफी मांगने का मुतालबा। 7 रोज में माफी ना मांगने पर लंदन हाई कोर्ट में मुकदमा करने की धमकी। कावेम सर्वी ने पाकिस्तान के मजीद सासे मुंजमद करने की कार्रवाई की भी धमकी दे दी। पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली गई, लाहौर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी का वैक्सीन बनाने का दावा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक 6 माह वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल होगा। पंजाब हुकूमत ने ट्रायल की इजाजत दे दी। ट्रायल की कामयाबी के बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है कि 6 माह से वैक्सीन की तैयारी के लिए काम कर रही है। पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन जुल्फकार अली भुट्टो की 41वीं बरसी नोडेरा हाउस की हेलीपैड पर मुख्तसर तकरीब होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। आसफ अली जरदारी का भुट्टो की यौम शहादत पर पैगाम। कहा, भुट्टो शहीद ने कौम को फखर से सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। भुट्टो ने दुनिया को बता दिया, लीडर मौत को शाम से कबूल करता है, उसूलों पर समझौता नहीं करता। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं आईनी तरमीम के जरिए शहीद भुट्टो के वादे की तकमील की। कुछ अनासर 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने सालों के जरिए कोटा सिस्टम को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तोसी दी। कराची में सेमिनार से चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट अफाक अहमद का खिताब। कहा, कोटा सिस्टम में तोसी पर MQM अरकान को इस्तीफा देना चाहिए था। अफाक अहमद बोले, बानी MQM का इल्जाम मुहाजिर कौम को ना दिया जाए, हम उनका क्रेडिट लेने वाले बताएं, कराची में कत्लोगारत में कौन मुलावस रहा। कराची के इलाके FDC के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, खातून जाम बाग। तेहरान बोर्ड पुल के करीब डकैती इल्जामों पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। गुलशन इकबाल ब्लॉक चौर में मोटरसाइकिल सवार में 2 डाकों की शहरी से लूट मार, मोबाइल फोन छीन कर फरार। बोरा पीर में 2 दुकानों में डकैती, मुलजिम नकदी लूट कर फरार। लियाकतबाद में खातून को मुबैना तौर पर 30वीं मंजिल से धक्का दे दिया गया, जख्मी खातून अस्पताल में चल बसी। धक्का देने वाली खवातीन ताहाल मफरूर। तीन मुल्की ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ अपना लीग मैच खेलेगा। कोरोना वबा के बाइस इंतजामिया का इवेंट को मुंतसिब करने का फैसला। सिंगल लीग के बाद फाइनल भी आज ही खेला जाएगा। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज रिवायती हरीफ भारत को 58 रन से शिकस्त दी थी। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें कियाना न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।